दोस्तों अभी जो मैंने कुछ देर पहले ही सिल्वर एंड बुक ऑफ ड्रीम्स मूवी पूरी देख ली है। मूवी जो है आपको कम से कम 1.5 घंटे के आसपास की देखने के लिए मिल जाती है और मूवी जो है टीनेजर के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। दोस्तों मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको अच्छा खासा एडवेंचर, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, फैंटेसी सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। और साथ तो आप लोगों ने पहले बहुत सारी मूवीज़ देख चुके होंगे जो कि सपनों के ऊपर बेस्ड रहती हैं, पर ये वाले मूवी देख लो आपको पक्का मजा आएगा, क्योंकि ये मूवी सपनों के ऊपर बेस्ड तो है पर थोड़ी सी यूनिक है और मूवीज़ से। वो कैसे यूनिक है मैं अभी आपको बताता हूँ। मूवी का प्लॉट मैं आपको बता देता हूँ भाई। मूवी का प्लॉट ये है कि यहाँ पे एक बुक है और बुक को पढ़ने के बाद कुछ बच्चे जो है यहाँ पे ड्रीमर यानी ड्रीम वॉकर बन जाते हैं, यानी कि ड्रीम में जा सकते हैं। और साथ में एक और लड़की रहती है जो कि नेचुरल ड्रीमर रहती है, जिसे किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, पर वो बुक जो है अपने साथ साथ एक अभिशाप भी लाती है। और ये लड़की कैसे उस बुक से लड़ती है या उसका बुक से क्या रिलेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको मूवी में देखने के लिए मिलने वाली हैं। मैं आपका सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा। और दोस्तों इस मूवी में जो करेक्टर दिखाए हैं काफ़ी ज़्यादा सही हैं और सभी की एक्टिंग एकदम मस्त रहने वाली है। और साथ में इसकी हिंदी डब की बात करूँ तो भाई वो भी एक नंबर की है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ बीच बीच में कुछ और अदर लैंग्वेज में वो बात करते हैं, पर ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट तक ही बात करते हैं। दोस्तों ओवरऑल मूवी वॉज गुड। किसी ने मूवी देख लिया तो आपको कैसी मूवी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इजीली इस मूवी को जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, आपको पक्का मजा आने वाला है। और इस मूवी की कास्ट और उनकी एक्टिंग अच्छी तो है ही, साथ साथ में उनकी जो लोकेशंस हैं जिन जहाँ पर शूट किया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा। आप लोग गूगल पर सर्च करते करते थक गए हो कि भाई एक अच्छी मूवी, बेस्ट मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, बेस्ट मूवी ऑन अमेजोन प्राइम, बेस्ट मूवी एडवेंचर, फैंटेसी, साईफाई, अगर किसी भी जॉनर में आप लोग खोज रहे थे तो भाई खोजना बंद करो और इस मूवी को देखो, आपका अच्छा खासा टाइम पास होने वाला है।